300 यूनिट फ्री बिजली के वादे में अखिलेश यादव ने नया ट्विस्ट डाल दिया है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वो आगे आए और अपना नाम लिखवाएं और सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो अपना नाम लिखकर फॉर्म जमा करे, जब उनकी सरकार बनेगी तो सभी को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। समाजवादी पार्टी घर घर अभियान चलाकर उन लोगों तक पहुंचेगी जिनका बिल ज्यादा आता है। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले, कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे FIR भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि आज मैं डर गया तो कल को कोई भी युवा हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सारे नेता सत्ता के भूखे हैं। हमारे साथ छल हुआ और हम राजनीति को समझ नहीं पाएंगे। लोग हंस रहे होंगे कि उन लोगों ने चंद्रशेखर को बेवकूफ बना दिया, लेकिन हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं सामाजिक परिवर्तन था। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। 25 सीटों का वादा किया गया था लेकिन अब 100 सीट भी देंगे तो भी नहीं जाऊंगा। पार्टी ने तय किया है कि अब हमें दोबारा की तरह जैसे हमने 5 साल विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में अदा की, अपनी लड़ाई अपने कंधों पर लड़नी चाहिए। मैं समझता हूँ मैं राजनीतिक अछूत इसलिए भी हूँ क्योंकि एक युवा हूँ और मेहनती हूँ और दरखतों को ये लगता है कि कहीं ये आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि कल इसी से टकराव हो जाए। इलाहाबाद की बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की बेटी मयंक जोशी को भाजपा से विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने पर संशय पैदा हो गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने साफ कर दिया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जिस पर रीता बहुगुणा जोशी ने सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रखा है कि यदि पार्टी उनके बेटे को लखनऊ से टिकट देती है तो वो सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के टिकट के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। मैंने कोई टिकट नहीं मांगा, ठीक है, मैंने अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा। मेरे बेटे ने नाम अपने तरफ से अप्लाई किया है टिकट के लिए, तो मैंने उनको ये सुझाव आज पत्र लिखा नड्डा जी को कि मैं अपना वर्तमान, अगर आप मैं इनको टिकट देते हैं तो मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुकी हूँ 2024 में मैं संन्यास लूंगी अपनी चुनावी राजनीति से, तो मैं आज वो सीट छोड़ने को तैयार हूँ। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी बहू अनुकृति ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उम्मीद है कि कांग्रेस हरक सिंह और अनुकृति दोनों को टिकट देगी। हरीश रावत के साथ मतभेद पर उन्होंने कहा कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं। वो उनसे 100 बार माफी मांग लेंगे। मथुरा की मार्ट सीट से बीजेपी विधायक का टिकट कट गया है। टिकट कटने की वजह से विधायक AK शर्मा रोने लगे। उन्होंने कहा कि पार्टी और जनता की इतनी सेवा की बावजूद इसके उनका टिकट कट गया। टिकट कटने से आहत शर्मा ने बीजेपी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। अब वो किस पार्टी में शामिल होंगे इस बारे में कुछ नहीं बताया। बाराबंकी में बीजेपी विधायक शरद अवस्थी के खिलाफ ग्रामीणों ने पोस्टर लगा दिया। मामला रामनगर विधानसभा के मधवापुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने पोस्टर में लिखा कि मोदी योगी से बैर नहीं, शरद अवस्थी की खैर नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो मौजूदा विधायक का टिकट काट दें। गांव वालों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में उनके क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने विधायक के खिलाफ पोस्टर लगाया है। यूपी टेट परीक्षा को लेकर लखनऊ में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि सकुशल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है। इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। अवस्थी ने बताया कि CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि जिन संस्थानों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है उन्हें किसी भी हालत में
परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। इन सभी कवायदों से एक बात साफ हो गई है कि परीक्षा 23 जनवरी को ही आयोजित होगी। चंदौली के सैयद राजा इलाके में पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 44 गौवंश बरामद हुए हैं। एक बड़े कंटेनर में भरकर ये लोग जानवरों को ले जा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कटान के लिए इन पशुओं को बंगाल ले जा रहे थे, लेकिन जेठमलपुर के पास पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। हरदोई के बेनीगंज में किसान नेताओं समेत 17 लोगों पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला बेनीगंज इलाके का है, जहां आवारा पशुओं से परेशान किसान धरना दे रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में FIR दर्ज कर ली। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा रही है। हम लोग अपना पक्ष लेकर के बैठे थे, इंस्पेक्टर बेनीगंज के द्वारा हम जो गौवंश इकट्ठा करके गौशालाओं में भेजने का कार्य कर रहे थे उसको छुड़वा दिया गया और महिलाओं को अभद्रता की गई उनके साथ में, इसी को लेकर हम लोग बैठे थे। 60-70 की संख्या में, चूँकि इस समय जनपद में धारा 144 लगी हुई है और कोविड की भी गाइडलाइंस जारी हुई है जिसमें लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, इसके उल्लंघन में 15-16 किसान नामजद और 60-70 अज्ञात के विरुद्ध थाना बेनीगंज में 188 और महामारी अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया है।